नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्री फंक्शंस एक नेचुरल जनरलाइजेशन था गॉस हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन 2f1 का, जिसके अंदर न्यूमरेटर पैरामीटर्स 2 की जगह a1 a2 p तक ले लिए थे, और जो डिनोमिनेटर पैरामीटर गॉस के अंदर जो एक पैरामीटर हुआ करता था उसकी जगह अपन ने क्यू पैरामीटर्स कंसीडर कर लिए थे। आज हम इसके कन्वर्जेंस कंडीशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन इसके पैरामीटर्स के ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगेगी, जो a1 a2 ap और b1 b2 bq ये जो पैरामीटर्स ले रहे हैं इन पर क्या क्या कंडीशंस लगेगी उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जो हमारे पास यहां पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनमें जो डिनोमिनेटर पैरामीटर है डिनोमिनेटर पैरामीटर्स की बात करें b1 b2 एंड bq, ये जो डिनोमिनेटर पैरामीटर्स है इनके ऊपर कंडीशंस रहेगी नो एनी bj इज अलाउड टू बी जीरो और ए नेगेटिव इंटीजर। अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर पैरामीटर को जीरो या नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे उस केस के अंदर द राइट हैंड साइड एनी bj इज जीरो और ए नेगेटिव इंटीजर, इन दैट केस RHS becomes infinite। तो राइट हैंड साइड आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी, इसलिए कोई भी डिनोमिनेटर पैरामीटर है आपका b1 b2 वो जीरो या नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। इनके ऑन द न्यूमरेटर पैरामीटर्स की बात करें अपन जो अपने a1, a2 एंड ap हैं, ai belongs to R, और i is equal to 1, 2 एंड p। जितने भी न्यूमरेटर पैरामीटर्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड इफ एनी ai becomes zero over a negative integer, then right hand sides terminates is a terminating series, means finite series। तो हमने यहां देखा कि जो भी पैरामीटर्स है वो डिनोमिनेटर पैरामीटर्स रियल नंबर होंगे, bj बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट नो पैरामीटर नो एनी bj इज अलाउड टू बी जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, एंड न्यूमरेटर पैरामीटर्स है वो कोई भी रियल नंबर होगा, तो pfq आपका डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो अगर ये अपने पास कंडीशन लेते हैं तो उस केस के अंदर आपका pfq वेल डिफाइंड होगा। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जेंस की, कि कन्वर्जेंस कब रहेगा। तो कन्वर्जेंस कंडीशंस,
और पी एफ क्यू। लेट यू एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ एन, जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ एन, जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। देन यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ एन प्लस वन, जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ एन प्लस वन, जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ एन, आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ एन एंड जेड अपॉन एन प्लस वन। ये अपने पास रहेगा और थोड़ा सा और उसको ठीक करें अपन, तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन विल बिकम ए वन प्लस वन, ए टू प्लस एन, ए पी प्लस एन अपॉन बी वन प्लस एन, बी टू प्लस एन एंड बी क्यू प्लस ऑफ एन अपॉन जेड अपॉन एन प्लस वन। चूंकि ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए फैक्टोरियल एन एंड ए प्लस एन, इस रिजल्ट को अगर काम में लें अपन तो उस केस के अंदर ये बन जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि मोड ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की बात करें तो अपने पास बचेगा ए वन प्लस एन, ए टू प्लस एन से लेकर ए पी प्लस एन अपॉन बी वन प्लस एन, बी टू प्लस एन टू बी क्यू प्लस एन, एक एन प्लस वन फैक्टर और रहेगा एंड मोड ऑफ जेड। ये वैल्यूज अपने पास आ गई। इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि ऊपर अपने पास पी फैक्टर है, नीचे हमारे पास क्यू प्लस वन फैक्टर है, पी फैक्टर एंड दिस इज क्यू फैक्टर जिनके अंदर एन इन्वॉल्व है। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले तो उस केस के अंदर अपने पास कुछ केस आएंगे कि केस फर्स्ट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू Q, in that case limit n tends to infinite u n plus 1 upon u n p is less than equal to q, जब p का मान q से कम है तो न्यूमरेटर के अंदर कम फैक्टर है, डिनोमिनेटर में ज्यादा फैक्टर है, n tends to infinite ले रहे हैं इसलिए this will be zero. This implies summation un is convergent for all finite z. z कुछ भी हो उन सब के लिए summation un जो अपनी सीरीज है वो convergent रहेगा provided p is less than equal to q. second case लेते हैं, केस सेकेंड, इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन, इन दैट केस मोड ऑफ यू एन प्लस वन अपॉन मोड ऑफ यू एन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, हम देख रहे हैं दिस विल बी मोड ऑफ जेड।
पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन है तो उस केस के अंदर ऊपर भी अपने पास पी फैक्टर है, नीचे भी अपने पास पी फैक्टर है जिनके अंदर एन इन्वॉल्व है, तो ये सारे के सारे हमारे पास कट जाएंगे और आपके पास मोड ऑफ जेड रहेगा। तो इट मींस समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट इफ मोड जेड इज लेस देन वन। अगर पी का मान क्यू प्लस वन के बराबर है और मोड जेड का मान लेस देन वन है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट रहेगी। केस थर्ड जो कि इंपॉर्टेंट केस है, इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन बट मोड जेड इज इक्वल टू वन, इन दैट केस लेट डेल्टा इज इक्वल टू लेट डेल्टा एक कंसिडर कर रहे हैं अपन नंबर, दिस इज समेसन जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे माइनस समेसन आई इज इक्वल टू वन टू पी। जितने भी डिनोमिनेटर पैरामीटर्स है उनका सम माइनस न्यूमरेटर पैरामीटर का सम का रियल पार्ट का हाफ हम एक डेल्टा ले रहे हैं, ले डेल्टा इज दिस वन। एंड आल्सो कंसीडर सीरीज समेशन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर वन प्लस डेल्टा, ये हम एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दैट केस un upon vn becomes un, un means I is equal to 1 to p ai of factorial n, j is equal to 1 to q bj of factorial n, z ki power n, z is 1 here, in that case mod z is equal to 1 ले रहे हैं अपन, तो this is 1 अपॉन फैक्टोरियल एन वी एन, दिस इज एन रेज टू पावर वन प्लस डेल्टा, ये अपने पास है। हम यहां पर एक नॉन रिजल्ट्स का यूज करना चाहेंगे, वी शैल यूज a known result limit n tends to infinite a factorial of n upon factorial n minus 1 n raised to power a is equal to 1 upon gamma of a। इस रिजल्ट का हम यहां पर यूज करना चाहेंगे, तो इसको यूज करने के लिए u1 upon vn को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलाइज यू एन अपॉन वी एफ एन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, दिस विल बी आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई ऑफ फैक्टोरियल एन एंड फैक्टोरियल एन माइनस वन एन रेज टू पावर ए आई। नीचे मेरे पास यू एन के अंदर जो समेशन बी जे था इसकी जगह मैं ये ले रहा हूं जे इज इक्वल टू वन टू क्यू बी जे ऑफ एन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन के ओवर बी जे, जो एक्स्ट्रा टर्म्स रही मेरे पास वो हो जाएगी एन की पावर समेशन ऑफ ए आई माइनस समेशन ऑफ बी जे आई इज इक्वल टू वन टू पी जे इज इक्वल टू वन टू क्यू, एंड नीचे एन की पावर प्लस डेल्टा फोर।
देखिए अपने पास क्या क्या ले रहे हैं। I इज इक्वल वन टू पी ए आई फैक्टोरियल एन, इसकी जगह हम हर एक ए आई टर्म्स के अंदर नीचे फैक्टोरियल एन माइनस वन और एन पावर ए पावर वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से यहां पर हमने कुल फैक्टोरियल एन माइनस वन पी फैक्टर ले लिए, यहां कुल फैक्टोरियल एन माइनस वन क्यू ले लिया। हमारा केस है पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन, इसका मतलब ऊपर हमने एक फैक्टोरियल एन माइनस वन ज्यादा लिया है, तो एक फैक्टोरियल एन माइनस वन हमारे पास यहां पर बचा हुआ था। एन की पावर वन प्लस डेल्टा से एन माइनस वन का एडिशन, तो यहां पर एन माइनस वन टर्म्स आएगा। तो दिस विल बिकम्स पावर आई माइनस बी जे एंड प्लस डेल्टा। Vn इज इक्वल टू n की पावर 1 प्लस डेल्टा। ओके, सोल्व करते हैं अपन। तो Vn अपॉन Vn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Un अपॉन Vn की अगर बात करें अपन, तो दिस विल गिव अस गामा आ जाएंगे, गाम ऑफ बी ऑफ जे, जे इज इक्वल टू वन टू क्यू। नीचे मेरे पास आ जाएंगे आई इज इक्वल टू वन टू पी गाम ऑफ ए आई एंड वन अपॉन एन की पावर। देखिए अपन ने यहां पर लिया था Vn इज इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर डेल्टा, Un हमारे पास था ए आई ऑफ फैक्टोरियल एन बी जे ऑफ फैक्टोरियल एन अपॉन जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, मोड ऑफ जेड वन ले रहे हैं इसलिए ये टर्म्स बन गई। Un अपॉन Vn की बात की तो Un अपॉन Vn ये बन गए अपने पास, और इस रिजल्ट्स को हम काम में लेना चाहते हैं कि ए एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन की पावर ए इज इक्वल टू वन अपॉन गामा ऑफ ए। ये वैल्यू इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए हमने यहां पर इसका डिवाइड कर दिया, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड किया है। चूंकि पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन है इसलिए हमारे पास यहां पर फैक्टोरियल एन माइनस वन जो टर्म्स है वो टोटल टाइम्स पी टाइम्स आई है एंड यहां अपने पास क्यू टाइम्स आई है, और पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन है तो एक नीचे फैक्टोरियल एन माइनस वन यहां से ऑलरेडी आ गया था अपने पास, तो ये बन गया अपने पास एन पावर दिस इज पावर ए आई फैक्टर रहेंगे पी तक के लिए, तो एन की पावर ए आई समेशन ऑफ दिस वन एंड एन की पावर बी जे ये टर्म्स आई, इसको भी अपन ऊपर ले गए अपन, तो उस केस के अंदर ये मेरे पास टर्म्स बच गए। अब इस पूरे की वैल्यू मेरे पास बनती है एन की पावर दिस विल बी समेशन मैं नीचे ले आऊंगा समेशन ऑफ एन की पावर बी जे जे इज इक्वल टू वन टू क्यू माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू पी ए आई एंड माइनस ऑफ डेल्टा। दिस विल बी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन विल बी जीरो इफ रियल पार्ट ऑफ समेशन बी से माइनस समेशन ए आई माइनस ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो है इन दैट केस एन टेंस टू इनफाइनाइट के ऊपर इस पूरे की वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू समेशन यू एन अपॉन वी एन टेंस टू जीरो है देन समेशन यू एन
इज आल्सो कन्वर्जेंट, चूंकि समेसन वी एन, दिस इज 1/(n^1+δ) हमने ली थी, ये सीरीज ली थी, चूंकि समेसन 1/(d) इज कन्वर्जेंट। तो बाय रेशियो टेस्ट वी हैव समेसन यू एन और से और पी एफ क्यू जेड इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन एंड रियल पार्ट ऑफ डेल्टा, जो डेल्टा हमने लिया था 1/2 समेसन ऑफ बी जे माइनस समेसन ऑफ ए आई इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है, क्योंकि यहां हम डेल्टा को ये पहले चूज कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अपनी सीरीज समेसन यू एन भी कन्वर्जेंट रहेगी। तो हम देखा कि हमारी समेसन पी एफ क्यू जेड के ऊपर कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस आई, कन्वर्जेंट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, इस केस में फॉर ऑल जेड, कन्वर्जेंट इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन एंड मोड जेड इज लेस देन वन, एंड दोबारा देखा अभी जो प्रूव किया अपने एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन एंड मोड जेड इज इक्वल टू वन प्रोवाइडेड रियल पार्ट ऑफ समेसन बी जे माइनस समेसन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 1 to p जे इज इक्वल टू 1 to q इज ग्रेटर देन 0। एंड इन अदर केस द सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट इफ पी इज